खबर रुद्रपुर से है। रुद्रपुर जिला मुख्यालय के गेट पर बाल सत्याग्रह आंदोलन कर रहे बच्चों और उनके संरक्षक और समाज सेवी को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा डराया धमकाया जा रहा है। समाज सेवी के ऊपर झूठा मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है कि मजदूरों की आवाज दबने की पूंजीपति और प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत है, जो प्रशासनिक अधिकारी मजदूरों की आवाज उठानी चाहिए। और आपको बता दें, वहीं कंपनी मालिकों की बात कर रहे हैं तो इस संदर्भ में जो झूठे मुकदमे दर्ज हुए उन्हें वापस लिया जाए और मजदूरों को उनका अधिकार और सैलरी दी जाए। बच्चों ने अपनी बात कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के सामने रखी और कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने पूर्ण आश्वासन दिया कि आपकी सारी परेशानी जल्द से जल्द दूर की जाएगी। श्रमिक नेता सुब्रत कुमार विश्वास ने कहा कि मजदूरों और गरीबों की आवाज उठाने के लिए अगर उनके ऊपर हजारों मुकदमे भी हो जाए तो वह नहीं डरेंगे। जिस प्रकार से मजदूरों की आवाज दबाने के लिए फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है, उसके बारे में संज्ञान लें और कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत से निवेदन किया। ज्ञापन देने हम इसलिए आए कि कुछ दिनों पहले जिला मुख्यालय रुद्रपुर के अंदर हम डीएम साहब को जिला अधिकारी को ज्ञापन देने के लिए गए थे, मगर जिला अधिकारी ने ज्ञापन नहीं लिया और जो हमारे बच्चे थे वो बारिश में भीगते रहे। यहाँ तक कि हमने प्रशासन वालों से हाथ जोड़ के विनती करी थी कि भैया आप गेट खोल दीजिए, जो बच्चे हैं वो भीगे ना, मगर प्रशासन की जो तानाशाही रवैया था, उन्होंने गेट नहीं खोला और बच्चों को भीगने दिया, महिलाओं को भीगने दिया। और हमने रिक्वेस्ट किया था कि अंदर बहुत जगह पड़ा हुआ है डीएम कोर्ट के अंदर, कई हॉल भी है, वहाँ बच्चों को बैठने दीजिए, मगर उन्होंने अपनी जिद पे आके बच्चों को अंदर नहीं जाने दिया, भीगने दिया। और उल्टा हम लोगों के ऊपर जो समाज सेवी बच्चों के कॉल पे हम लोग गए थे और हमें बुलाया गया था, वहाँ पर हमारे मतलब डीएम साहब के जो वहाँ पर उनके दो कार्य किया उन्होंने, उसके अवेलना में इन लोगों ने क्या करा कि हम लोगों के ऊपर ही मुकदमा कर दिया और बच्चों को वहाँ डराया और धमकाया गया कि आपके ऊपर मुकदमा कर दिया जाएगा, आपके ऊपर आपकी जो आपके आने वाले समय में आपकी जो जॉब है नौकरियाँ वो नहीं मिलेंगी। और कई तरीके से आज भी प्रताड़ित कर रहे हैं प्रशासन के द्वारा। यहाँ ऐसा लग रहा है कि जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं पूंजीपतियों की मिली भगत के साथ चल रही है और सुनने के लिए नहीं है। उसी को लेके हम आज कमिश्नर साहब से मुलाकात करने आए थे, कुमाऊं कमिश्नर से। हमें उनसे बहुत उम्मीद है कि इसका संज्ञान लेंगे और जो भी बच्चों के संग जो हम लोगों के संग शोषण हो रहा है उस पर रोक लगाएंगे और जो मजदूर हैं उनका उनका अधिकार दिलाएंगे। आश्वासन दिया था कि आपका काम जो है वो हो जाएगा और इस बात पर वो जल्दी एक्शन लेंगे। हाँ, वो भी हमने उनसे कहा था कुमाऊं कमिश्नर से, तो उन्होंने कहा था कि वो मतलब डीएम सर से बात करेंगे और उन्होंने जो मतलब बच्चों को भीगने दिया था और ज्ञापन नहीं लेने आए थे वो गलत था।